हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस शेयर के बारे में, उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस। और जिंदल स्टेनलेस को डिस्कशन करने के वजह जो है काफ़ी कुछ है। तो यदि आपने इस शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस शेयर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये एक हम लोग जान लें कि मिड कैप कंपनी है, और कुछ रिसेंटली इसमें न्यूज़ था, टाटा स्टील माइनिंग और जिंदल स्टेनलेस ने दोनों ने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये जो है अपना Q1 रिजल्ट जो है 26 जुलाई को प्रेजेंट करने वाली है, यानी मंडे को, जो आने वाला मंडे है। तो अच्छा खासा सेशन हो सकता है इस कंपनी के लिए, तो ये हमारे रडार पे होना ही चाहिए। और जैसा कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस है कि और इसने जो है पहले अच्छा खासा Q4 में रिजल्ट जो है शो किया है। और टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग बात कर लें तो टेक्निकल ग्राउंड पे इसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट डेली चार्ट पे इसने दिया है, और वीकली चार्ट पे हाइट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन जो है इसने बनाया है। RSI MACD दोनों जो है बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है। और स्टॉप लॉस जो हम लोग रख सकते हैं वो 120 के आसपास का रख लेते हैं, और टारगेट जो है नेक्स्ट वीक का 175 के आसपास बंद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल। और आगे हम लोग उसके और डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि डिटेल एनालिसिस में क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें FIs और म्यूचुअल फंड उनके क्या हिस्सेदारी है, उन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट चूंकि जून का सारा डेटा आ चुका है, तो जो हम लोग पहले देख ले कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बेसिक हम लोग देख लेते हैं। तो वैल्यू जो है करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंग और रिटर्न जो है FD से कम दिया है। एंट्री पॉइंट के लिए तो गुड नहीं हुआ, रेड फ्लैग है क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ चुका है शेयर का दाम। तो यहाँ पर देख लें प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 68.12% है, जो कि काफ़ी अच्छा है प्रमोटर की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड देखिए यहाँ पर, पहले हम लोग FIs देख लेते हैं। FIs जो है लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से FIs भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो और भी देख ले कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक देखिए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कहाँ ये 0.01% होते थे, आज के डेट में ये 1.57% है। और एक क्वार्टर में ही इन्होंने लगभग 1% का अप मूव अपने स्टेक को इंक्रीज किया, अप मूव दिखाया है। तो ये चीजें बहुत ही इसको फेवर करता है। और यहाँ पर देख ले कि आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है पियर्स के मुकाबले क्या चीजें हैं इसमें। तो जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिंदल स्टील PB जो है 2.76 है, JSW का 3.74 है। तो यहाँ पे ये ठीक ठाक रेशियो पे 17 पॉइंट, तो एक तरह से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है शेयर। तो आगे कुछ देख लेते हैं, फॉरकास्ट देख लेते हैं कि क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 एनालिस्ट, 100% एनालिस्ट जो है इसको खरीदने की राय दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप देखिए 6 में से 6 लोग इसको खरीदने के लिए बोल रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल है। तो ये चीजें हो गई जो कि मैंने डिस्कस की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।